न्यूज 19 में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जाने माने वोटर पार्टी इंटरनेशनल का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राज्यसभा माननीय श्री ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ये अपने आप में अजूबा लगता है भारत में कि वोटर्स जो पूरे भारत का मालिक है, जो अंग्रेज जाने के बाद आज़ादी अगर किसी को मिला है तो वो वोटर्स को मिला है। चाहे वोटर्स करोड़पति हो, चाहे खाकपति हो, चाहे रानी हो, चाहे मेहतरानी हो, सबों को एक ही वोट देने का पावर है। वो वोट ही बताता है कि वोटर एक भारत का मालिक है। अगर वोटर वोट देना बंद कर दे तो पार्लियामेंट में ताला लग जाएगा, विधानसभा में ताला लग जाएगा। वोटर वोट दे करके 5 साल के लिए एमपी और एमएलए को टेम्पररी 5 साल के लीज पर एडहॉक पर 5 साल के लिए सेवक के रूप में बहाल करता है। जैसा कि आजकल प्रधानमंत्री बोलता है कि हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, प्रधान सेवक हैं। ऐसी परिस्थिति में आज वोटर की जो हालत है, खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को मकान नहीं, बीमारी के इलाज के लिए दवा दारू नहीं, उनके बाल बच्चों को शिक्षा के लिए नहीं, इसका कारण कौन है? आज आजाद हुआ देश, आजादी हमें मिली नहीं, कली है पैर में मगर अभी खेली नहीं। आजाद 70 साल के बाद तक भी लोग बोलते हैं, जितनी भी पार्टियां आती है केंद्र में, चाहे जनता दल की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, जिसकी भी सरकार हो, वो कहता है कि मैं विकास करने के लिए आया हूँ। मैं पूछता हूँ उन लोगों से, किसकी विकास करना चाहते हो? क्या रोड का विकास से जनता का विकास होगा? पुल के विकास से जनता का विकास होगा? क्या नदी को विकास से विकास होगा, या जंगल का विकास से विकास होगा? मेट्रो ट्रेन के विकास होगा, बुलेट ट्रेन से विकास होगा, हवाई जहाज के विकास होगा, क्या चीज से विकास होगा? इससे तो विकास हो रहा है, छड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों के छड़ बिक रहे हैं उनका विकास हो रहा है, गिट्टी बिक रहे हैं उसका विकास हो रहा है, बालू बिक रहे हैं उसका विकास हो रहा है, ऐटा बिक रहे हैं उसका विकास हो रहा है। और विकास अगर हो रहा है तो आज भारत के ठेकेदारों का विकास हो रहा है, मंत्रियों का विकास हो रहा है और गुंडों का विकास हो रहा है। अच्छा ब्रह्मदेव जी, मैं आपकी बात काटता हूँ, माफी चाहूंगा। मित्रा जी, मैं पासवान जी से दो सवाल कर सकता हूँ। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी जो पार्टी है अपना वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, आप मेन उसका एजेंडा आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं पब्लिक को? मेन एजेंडा है, मेन एजेंडा आपका क्या फोकस? मेन एजेंडा है कि पूरे दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है, चाहे ब्राजील हो, चाहे नामीबिया हो, चाहे अलास्का हो, चाहे फिनलैंड हो, तमाम जगहों में वोटरों को पेंशन मिल रहा है जीवन यापन के लिए। और भारत में भी, भारत की संविधान में 39 में लिखा है कि वोटर को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य 5 चीज के लिए उसको काम करने की आवश्यकता नहीं है। यह उसका मौलिक अधिकार है, उसका जीवन जीने का अधिकार है, आजीवन अधिकार है उसको, इसको सरकार को देना है, उसको काम करे या न करे। इस आधार पर अगर पूरे दुनिया में जहां लोकतंत्र है वोटर को पेंशन मिल रहा है, तो भारत में लोकतंत्र है और भारत के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सत्ता में आती है और वोटर के विकास बात नहीं करती है। इसलिए वोटर को पेंशन मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए कि 137 सांसदों ने 1911 के पहले लिख करके दे दिया है लोकसभा राज्यसभा में कि वोटरों को पेंशन मिलना चाहिए। जो जीडीपी है, जो वोटरों को इनकम होता है प्रति वर्ष प्रति महीना, उसकी आधी रकम में देश और प्रदेश का विकास किया जाए और आधी रकम वोटर के खाता में डाला जाए। यह 2 दिसंबर 2011 को प्रस्ताव पास है, लेकिन लोक कानून नहीं बनाया जा रहा है, जिसके चलते वोटर को पेंशन नहीं मिल रहा। मेरा मुख्य मुद्दा यही है। तो आप अपनी पार्टी से क्यों नहीं उम्मीदवार उतारते? उम्मीदवार इसलिए नहीं उतार रहा था कि लोग मेरा पार्टी 2017 में रजिस्ट्रेशन में कराया, सरकार ने कहा कि जब तक वोटर पैसा नहीं मांगेगा तो मैं पैसा कैसे दूं? वोटर चीनी मांगता है, वोटर किरासन तेल मांगता है, वोटर चावल गेहूं मांगता है, वोटर मकान मांगता है, पैसा कहां मांगता है? जब पैसा मांगेगा वोटर तब मैं कानून बनाऊंगा। तो इसके लिए मुझको वोटर पार्टी इंटरनेशनल बनाना पड़ेगा और इसके माध्यम से मैं अब पैसा मांग रहा हूं वोटर की तरफ से।
वासवन जी, जो आपका एजेंडा है, जो ध्येय है आपकी पार्टी का, या आज के यूथ को अगर आप देना चाहते हैं हमारे न्यूज 19 के जरिए, हमारे जवान बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, जो यूथ है, आपका क्या मैसेज है, आप क्या देना चाहते हैं अपने पार्टी के लिए? हमारी पार्टी, सच पूछा जाए तो आज करोड़ों करोड़ बेरोजगार नौजवान जो जीवन जी रहा है, जो इस दुनिया में पैदा हुआ था कुछ करने के लिए, जो अपने आप को निष्क्रिय समझ रहा है, अपने आप के और तमाम जो बेरोजगार हैं, जो विक्षिप्तता है, आत्मदाह हो, आत्महत्या की प्रवृत्ति हो रही, नशाखोरी हो रही है, गिरह कल्ला हो रहा है, इससे बचाने के लिए तमाम बेरोजगारों को, अगर जिसकी उम्र 18 साल हो जाएगा उसको पढ़ने के लिए पेंशन देना चाह रहा हूँ, और जवान हो जाएगा, काम करने लायक हो जाएगा, उसके लिए वो जब पैसा उसको मिलेगा, अगर पाँच एक घर में पाँच गो आदमी वोटर है तो 5×6=30,000 रुपया मिलेगा, तो वो बैंक नहीं जाएगा, बैंक वाले उसके यहाँ आएंगे, भाई इसके महीना में 30,000 आ रहा है, फिर वो पैसा लेकर के लोन रोजी रोजगार करेगा, न कोई भूखा रहेगा, न कोई गिरीबहीन रहेगा। अच्छा पासवान साहब, मान लीजिए कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो आपसे कैसे जुड़े, क्या माध्यम है, क्या तरीका है? बस एक तरीका है कि हमारे पार्टी का सदस्य बने, और अगर जानकारी लेना चाहता है तो 9696123456 में मोबाइल डाउन करे, बटन दबावे, उसको सब चीज़ बता देगा कि कैसे आप मेरे वोटर पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे सदस्य बन सकते हैं और कैसे सत्ता में आ सकते हैं। जी पासवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, न्यूज 19 से आपके विचार हमने सुने और जानकर के बड़ी खुशी हुई कि हमारे देश में आज भी आप जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि राजनीति भटके नहीं, भटकती हुई राजनीति को रास्ते पे लेके आए, और आप वोटर्स के पक्ष में आप बात कर रहे हैं, और न्यूज 19 को उम्मीद है कि आपकी आवाज़ या आपका संदेश दूर दूर तक जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 19। न्यूज 19 चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले। अगर आपको हमारे द्वारा दिखाए गए किसी भी प्रोग्राम से कोई आपत्ति है तो हमें कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें या हमें ईमेल आईडी पर हमें इन्फॉर्मेशन भेजें। आपके सुझाव हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है कि आपके सुझाव हमें बिना किसी भेदभाव और निस्वार्थ के हमें हमारे कार्य को और उचित रूप से करने के लिए प्रेरणादायक होते हैं। जय हिंद।